की रिझल्टची गॅरंटी पाहिजे तुम्हाला? पाहिजे तुम्हाला तर फटाफट नागरत्ना चॅनलवर जा आणि सबस्क्राईब करा. मी आहे शालिनी हुबलीकर आणि मराठी माध्यमातील मुलांसाठी मी सुरू केलं आहे मराठी चॅनल नागरत्ना. सलाम नमस्ते सत्री अकाल केम चोतमे मजा माने कसे आहात तुम्ही? मजेत ना? मैं हूँ शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? अच्छी चल रही है ना? और रिजल्ट तो आप लोगों के अभी आ ही गए रहेंगे. तो अभी क्या तुम लोगों को तो थोड़ी परसेंटेज मिलने वाले है, तुम लोगों को तो प्रमोट ही किया जाएगा क्योंकि बिना एग्जाम के आगे जाना मजा आ रहा है कि नहीं तुम लोग को? लेकिन अब मजा की सजा भी हो सकती है अगर आप लोगों ने अच्छे से इस टाइम को यूटिलाइज नहीं किया तो. तो जिस चीज का आप लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था मेरे वीडियो का, सेवेंथ स्टैंडर्ड ज्योग्राफी के बच्चों के लिए जो सेकंड लेसन मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है द सन द मून एंड द अर्थ, आज मैं उसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स आप लोगों को देने वाली हूँ. है ना खुशी की बात? तो जो बच्चे आज पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं और उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन टैप करना मत भूलिएगा. और ये जो मैंने लेसन एक्सप्लेन किया हुआ है तो सबसे पहले उसका वीडियो देखिए और उसके बाद ये जो क्वेश्चन एंड आंसर्स मैं अपलोड कर रही हूँ वो देखिए आप लोग, ठीक है? और अदर सब्जेक्ट भी है, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, ज्योग्राफी तो है ही, हिस्ट्री, तो जो भी है मैंने अपलोड किए हुए हैं. प्लेलिस्ट में जाइए, आप लोगों को सारे लेसन्स मिल जाएंगे. निबंध लेखन, पत्र लेखन, कहानी लेखन, सब कुछ है मेरे वीडियो में. यहाँ वहाँ कहाँ पर भी जाने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है. है ना अच्छी बात? तो चलो फिर अब मैं शुरू करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए क्वेश्चंस एंड आंसर्स. तो एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन नंबर वन, करेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट्स, राइट डाउन द करेक्टेड वंस. अभी करेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट्स, तो ये जो भी स्टेटमेंट्स उन लोगों ने यहाँ पर दिए हुए हैं उन्हें हमें करेक्ट करना है. वन थिंग, राइट डाउन द करेक्टेड वंस, और जो आपने करेक्ट किया है उसको आप लोगों को करेक्ट करके लिखना है. ये जो रॉन्ग सेंटेंस इन्होंने लिखा हुआ है इसे आप लोगों को करेक्ट करके लिखना है, ठीक है? कभी भी आप लोग एक बात याद रखना और गांठ बांध के रखना. बच्चे लोग क्या करते हैं मालूम है, जब एग्जाम्स में बैठते हैं ना वो लोग, तो क्वेश्चन नंबर वन करेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, हाँ हाँ ये तो ट्रू और फॉल्स है, ट्रू और फॉल्स, ऐसा ही आधा ही पढ़ते हैं, फिर फटाफट जाते हैं हाँ ये रॉन्ग है, ये राइट है, रॉन्ग है, राइट है, वो जो भी है. तो आप लोगों का सबसे पहले ये जो रीड करके क्या पूछा है वो समझना बहुत जरूरी है, ठीक है? करेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट्स, तो ये लोग पहले से ही लोगों ने बताया हुआ है कि गलत स्टेटमेंट्स दिए हुए उसको करेक्ट करना है आप लोगों को. राइट डाउन द करेक्टेड वंस, और जो करेक्ट करके सेंटेंस हम लोगों को लिख कर देना है उन लोगों को, ठीक है? ये ट्रू और फॉल्स नहीं है, ओके? आप लोगों को क्लियर करना है रॉन्ग है तो क्यों है, उसे करेक्ट करके लिखना है. ये जो मैं छोटी छोटी बातें आप लोग को बताते रहती हूँ ना वो आप लोग गांठ बांध के रखना, ओके? चलो नहीं तुम्हारे मेमोरीज में डाउनलोड करके रखना, ओके? ये तुम लोग को लैंग्वेज अच्छा समझ में आएगा. देखते हैं फिर क्या है ये. वन, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो मैंने लेसन आपको सिखाया है तो द मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन नहीं आता है, सन की जगह पे हम लिखेंगे अर्थ, ठीक है? ये स्टेटमेंट है रॉन्ग. द मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन की जगह पर आप लिखोगे अर्थ, ये है करेक्ट
स्टेटमेंट और स्टार्टिंग में रॉन्ग लिखना है आप लोगों को। अभी आगे जो मैं जवाब देने वाली हूँ उसमें आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरह से लिखना है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है, ऑन अ फुल मून डे द मून द सन एंड द अर्थ आर पोजिशनड इन दिस सिक्वेंस। तो सेकेंड का जो आंसर है आप लोग किस तरह से लिखोगे, देखो फर्स्ट वाला भी आंसर ऐसे ही लिखना है आप लोगों को। सबसे पहले आप लिखोगे रॉन्ग, ऑन अ फुल मून डे द मून द सन एंड द अर्थ आर पोजिशनड इन द सन अर्थ मून सिक्वेंस, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग सेंटेंस को करेक्ट करके लिखोगे। ओके, समझ गए, गुड, स्मार्ट टीचर के स्मार्ट बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3, द रिवोल्यूशनरी ऑर्बिट ऑफ द अर्थ एंड द मून आर इन द सेम प्लेन। तो इसका आंसर लिखते समय आप लोगों को किस तरह से लिखना है, द रिवोल्यूशनरी ऑर्बिट ऑफ द अर्थ एंड द मून आर नॉट इन द सेम प्लेन लिखना है, ठीक है। तो क्यों नहीं है वो सेम प्लेन में, तो उसका रीजन है यहां पर, द मून्स रिवोल्यूशनरी ऑर्बिट मेक्स एन एंगल ऑफ 5 degrees विद दैट ऑफ द अर्थ, ठीक है। अगर आप लोगों ने लेसन देखा है बराबर से तो आप लोगों को हार्ड नहीं जाएगा, ओके। फिर उसके बाद है फोर्थ वन में है, इन वन रिवॉल्यूशन ऑफ द मून इट्स ऑर्बिट इंटरसेक्ट्स द अर्थ्स ऑर्बिट ओनली वंस। तो इसका आंसर यहां पर ही है, वंस की जगह पे खाली आप लोगों को ट्वाइस लिखना है, वंस कट करके उस जगह पे ट्वाइस लिखना है, इन वन रिवॉल्यूशन ऑफ द मून इट्स ऑर्बिट इंटरसेक्ट्स द अर्थ्स ऑर्बिट ओनली ट्वाइस, ओके। तो इस तरह से आप लोगों को इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट है 5, इट इज ऑल राइट टू ऑब्जर्व अ सोलार एक्लिप्स विदाउट प्रोटेक्टिंग द आईज। तो जब मैंने लेसन सिखाया था आप लोगों को मैंने बहुत ही डिटेल में ये एक्सप्लेन किया हुआ है। तो लिखते समय आप लोग कैसे लिखोगे आंसर, इट इज ऑल राइट की जगह पर आएगा हार्मफुल, यहां पर मैंने लिखा है देखो, इट इज हार्मफुल, तो ऑल राइट की जगह पर आएगा हार्मफुल टू ऑब्जर्व अ सोलार एक्लिप्स विदाउट प्रोटेक्टिंग द आईज, ठीक है। तो उसके पीछे हमें और भी ऐड करना पड़ेगा ना, हमें क्यों है करके रीजन देना पड़ेगा। तो इफ You want to observe solar eclipse, you have to wear dark glasses or special goggles made for that purpose. ठीक है, तो ये उसका complete हो गया answer, okay? तो wrong लिखने के बाद सबसे पहले आप लोग ये sentence लिखोगे fifth वाला, सिर्फ ऑल राइट की जगह पे आप लोगों को हार्मफुल लिखना है, फिर उसके आगे वो लिखोगे, और इसके लिखने के पहले ही रॉन्ग लिखना है आपको, जैसे लिखा हुआ मैंने आपको बताया था, समझ गए आप लोग, वेरी गुड। उसके बाद 6, एन एन्युलर सोलार एक्लिप्स ऑकर्स व्हेन द मून इज इन द पेरिगी पोजिशन। तो सेंटेंस वही रहेगा, खाली पेरिगी के जगह पे ओपोजी आएगा, पेरिजी के जगह पे ओपोजी आएगा, ठीक है,
पेरिजी नहीं लिखना है, उसकी जगह पे ओपोजी पोजिशन। हो गया आपका करेक्शन, ठीक है ना आसान? वेरी गुड। फिर उसके बाद है टू, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अ सोलार, वन है सोलार एक्लिप्स, इसमें ए बी सी तीन दिए हुए हैं। तो सोलार एक्लिप्स में सबसे पहले अर्थ आता है, उसके बाद मून आता है, उसके बाद सन आता है, तो ये है करेक्ट। ओके, और सेकंड में उन लोगों ने पूछा है हम लोग को द शेप ऑफ सन डिस्क एट द टाइम ऑफ एन्युलर सोलार एक्लिप्स इज लाइक दिस। बी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, लेसन एक्सप्लेन करते थे, मैंने सब एक्सप्लेन किया हुआ है। थ्री, अपोजी पोजिशन ऑफ द मून इज दिस। ए वन इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन थ्री सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा आप लोग को। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, डिटेल्स लूनार एक्लिप्स एंड सोलार एक्लिप्स, कुछ कुछ इन लोगों ने फिल किए हुए हैं यहाँ पर। फेज ऑफ द मून, फुल मून डे, न्यू मून डे, सीक्वेंस मून अर्थ सन, अर्थ मून सन, टाइप्स ऑफ एक्लिप्स टोटल एंड पार्शियल, टोटल पार्शियल एंड एन्युलर, मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ टोटल एक्लिप्स 107 मिनट्स, 7 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स। ओके, समझ में आ गया आप लोग को? गुड। उसके बाद यहाँ पर फोर में आपको दिया है ड्रॉ एंड लेबल द डायग्राम्स, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये डायग्राम नॉर्मली एग्जाम्स में आते ही है आप लोगों को, तो पक्का करके रखना और बिल्कुल कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है? वन, टोटल एंड पार्शियल सोलार एक्लिप्स का डायग्राम मैंने आप लोग के लिए यहाँ पर मार्क करके रखा हुआ है। देखो ये है, देखो टोटल एंड पार्शियल सोलार एक्लिप्स का जो डायग्राम है वो ये है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद जो सेकंड डायग्राम उन्होंने दिया है एन्युलर एंड पार्शियल सोलार एक्लिप्स का, क्वेश्चन नंबर फोर का सेकंड डायग्राम ये है, ठीक है? तो डायग्राम जब भी आप लोग निकालते हैं तभी आप लोगों को डायग्राम के नाम याद रखने हैं कि किस एक्लिप्स का ये डायग्राम है। क्या होता है ना एग्जाम में तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि ये डायग्राम था या ये डायग्राम था, तो ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है, ठीक है? डायग्राम आपने पूरा पक्का कर लिया, खाली अगर नीचे के जो नाम है उसमें आप लोगों ने गड़बड़ कर दी तो आपके पूरे मार्क्स गए। 5 मार्क का तो रहेगा ये डायग्राम आप लोगों को, या कम से कम 3 मार्क का तो होगा ही होगा, ठीक है? तो प्लीज नाम देखकर डायग्राम प्रैक्टिस करो। डायग्राम जितनी बार भी प्रैक्टिस करते हो उतनी बार उसका नाम लिखो और समझ लो बराबर से, ठीक है? क्योंकि मैंने देखा है बच्चे लोग यही गलती करते हैं पेपर्स में, ठीक है? और जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करोगे आप लोग। ओके, यस, ये मेरी बातें याद रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बातें है। ओके, गुड। अभी है क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग। सबसे आपका प्यारा लाडला दुलारा है ना, जिसमें हमेशा आपकी बैंड बज जाती है, प्यारा प्यारा। चलो भाई, हम है ना, मैं हूं ना भाई शालिनी उबलीकर, आप लोग क्यों टेंशन लेते हो? आंसर द फॉलोइंग। वन, व्हाई डू द सन द मून एंड द अर्थ नॉट लाई इन वन एंड द सेम लाइन ऑन एवरी फुल मून एंड न्यू मून डे? लोग एक लाइन में क्यों नहीं होते? तो इसका आंसर है ये, वन, द ऑर्बिटल पाथ ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड दैट द
curved land of moon around the earth are not in the same plane. Two, the moon revolutionary orbit makes an angle of about 5 degrees with that of the earth. Therefore, आप लिखोगे द सन द मून एंड द अर्थ नॉट लाई इन वन एंड द सेम लाइन ऑन द अर्थ एवरी फुल मून एंड न्यू मून डे. ठीक है, तो इस तरह से आंसर को कभी भी कंप्लीट करके लिखना चाहिए तो ही आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे, वरना टीचर आपके मार्क्स काटेगी इनकम्प्लीट आंसर बोलिए. ठीक है, गुड. टू, व्हेन टोटल सोलर एक्लिप्स ऑकर्स व्हाई इज पार्शियल एक्लिप्स आल्सो सीन फ्रॉम द अर्थ. का आंसर यहाँ पर है वन, ऑन अ न्यू मून डे इफ द सन द मून the earth are in the same plane and fall in one line, the shadow of the moon falls on the earth. Okay? Two, a shadow of moon is of two types. A dark shadow of the moon falls on some areas of the earth and at the same time. A light shadow of falls on some other areas of the earth. Three, a total solar eclipse is visible from the areas of the earth falling in the moon's dark shadow and a partial solar eclipse is visible from the areas of the earth falling in the moon's light shadow. Thus, when a total solar eclipse occurs, a partial eclipse is also seen from the earth. Okay? ये जब lesson मैंने explain किया हुआ, ये सारा मैंने lesson में explain किया हुआ. Eradicate the superstitions related to the eclipse. 1. Collecting the specific information about eclipses by referring to newspapers, reference books, and the internet, and sharing the same by way of posters, charts, group discussions, street play, etc. 2. With various activities and demonstration given in the textbook explaining the fact that eclipse is just an astronomical event and there is nothing auspicious or inauspicious. Okay? तो इसमें कोई अच्छा बुरा ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सिर्फ अंधविश्वास है. ठीक है, तो आप लोग पुशअप के मम्मी लोगों को कि क्या क्या करते हैं ग्रहण के समय में, तो आपकी मम्मी पापा आपको बराबर बताएंगे क्या क्या करना चाहिए करके. ठीक है,
तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट प्रिकॉशंस शुड वी टेक व्हाइल ऑब्जर्विंग अ सोलार एक्लिप्स। सोलार एक्लिप्स देखते समय हम लोगों को कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए, तो उसका आंसर मैंने लिखा हुआ है, 1, वी शुड अवॉइड ऑब्जर्विंग अ सोलार एक्लिप्स बाय नेकेड आईज। द इंटेंस लाइट ऑफ द सन कैन बी हार्मफुल टू द नेकेड आईज। 2, बिफोर ऑब्जर्विंग एक्लिप्स वी शुड वियर डार्क ग्लासेस और स्पेशियल गॉगल्स मेड फॉर दैट पर्पस। और हम लोग जब छोटे थे ना तो हम लोग किससे देखते थे मालूम है, वो एक्सरे का रहता है ना, वो ब्लैक वाला एक्सरे निकालते हैं, फिर वो उसके आजू बाजू में जो ब्लैक ब्लैक होता है, हम लोग छोटे छोटे रहते थे तो वो लेके जाते थे बाहर और उससे हम लोग देखते थे एक्लिप्स। ठीक है, लेकिन अभी तुम लोग के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं भाई। गॉगल्स तो क्या, तुम लोग बोलेंगे तो मम्मी पापा ला के खड़ा कर देंगे गॉगल, ये ले बेटा हाजिर है, ऐसा है। हम लोग के समय में ऐसा नहीं था। ओके क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट टाइप ऑफ सोलर एक्लिप्स विल ऑकर इन पेरिगी कंडीशन। तो कौन से टाइप का सोलर एक्लिप्स होता है पेरिगी कंडीशन में, तो इसका आंसर कैसे आएगा, देखो, द टाइप्स ऑफ सोलर एक्लिप्सेस विल ऑकर इन द पेरिगी कंडीशन आर ए टोटल एंड पार्शियल एक्लिप्स। ठीक है ना आसान। ओके तो ए टोटल एंड बी पार्शियल, ओके ये टू टाइप्स के होते हैं। ओके तो इतना आसान तो करके दिया है मैंने आप लोगों के लिए, तो आप लोगों ने क्या किया भाई मेरे लिए, बोलो बोलो फटाफट, फॉरवर्ड कर रहे हैं क्या नहीं आप लोग मेरे चैनल का लिंक। जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उन लोग के लिए प्लीज़ मेरे चैनल का लिंक फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि वो बच्चे भी घर में बैठे बैठे सीख सके। ये बहुत ही नेक काम है ना, इसे भगवान अल्लाह खुदा ईसा मसीहा सब लोग आप लोगों को दुआएं देंगे, ताकि जो बच्चे हैं वो लोग घर में बैठे बैठे सीखेंगे, तो इसका पुण्य आपको ही मिलेगा अगर आप लोग सब लोग फॉरवर्ड करोगे तो। ठीक है, तो फटाफट फॉरवर्ड कीजिएगा मेरे चैनल का लिंक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें। तुम लोग को पता है बहुत सारे स्कूल्स ट्यूशन क्लासेस सब लोग दिखा रहे हैं मेरे वीडियोस बच्चों को, और मैं तो सबको वेलकम करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को दिखाइए मेरे वीडियोस को। मेरे बच्चों के मुझे कमेंट्स आते हैं तो मुझे बच्चे बताते हैं कि हम लोगों को आपके वीडियोस सजेस्ट किए जाते हैं मैम, तो बहुत खुशी होती है मुझे कि जो मैं मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, वो जो मेरी मेहनत है वो सफल हो रही है, हर घर घर में पहुँचनी चाहिए ये मेरी मेहनत। ठीक है, और वो आप लोगों के हेल्प के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और मुझे पता है आप लोगों ने मुझे वादा किया हुआ है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करने वाले हैं मेरे चैनल का लिंक। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ सके, और ऑलरेडी आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच, और लाइक किया कि नहीं अभी तक तुम लोगों ने मेरे वीडियोस को, नहीं किया आप लोग के लाइक आजकल कम आ रहे हैं, देखो फिर मैं नाराज हो जाऊंगी, फिर मुझे ऐसे लगा कि अरे मेरे बच्चों को तो मेरे वीडियोस अच्छे ही नहीं लगते। कमेंट्स तो आप लोग बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, लेकिन एक लाइक दबाने के लिए आप लोग को कितना टाइम लगता है, भूल जाते हैं तुम लोग, मुझे पता है इतने गुम हो जाते हो मेरे वीडियोस देखने में कि भूल जाते हो लाइक करने के लिए। ऐसे मत करो भाई, मुझे ऐसे इग्नोर मत करो तुम लोग, ठीक है, फटाफट लाइक करो। अभी देखते हुए ये वीडियोज़ में मुझे कितने लाइक्स आते हैं तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं। ठीक है, तो और आप क्या करोगे, और एक काम मेरे लिए, कोई डाउट है आप लोगों को तो आप पूछ सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में, अगर कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है ना। चलो फिर लग जाओ पढ़ाई करने के लिए, पता नहीं
अचानक से स्कूल वाले बम फेंकेंगे आपके ऊपर, ऑनलाइन टेस्ट होगा, तो डोंट वरी, पढ़ाई तो आप लोगों ने शुरू कर ही दी है, और कोई प्रॉब्लम है तो मैं हूँ, बैठी हूँ, और आप लोग के सवालों के जवाब भी मैं दे रही हूँ, ठीक है। चलो फिर अभी मिलते हैं बहुत जल्दी ही, और आपका कोई भी सवाल होगा इस लेसन के रिलेटेड, तो ये इस सब्जेक्ट का जब मैं अगला वीडियोस बनाऊंगी तो उसके आंसर्स में आप लोगों को, अगर बड़े हैं तो, वरना छोटे रहेंगे तो मैं कमेंट बॉक्स में आप लोग को दे दूंगी, ओके। कुछ एक्सप्लेनेशन करना है तो मैं आप लोग को वीडियो में ही बनाकर दे दूंगी, ओके। चलो फिर, स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।